बीकानेर में देश और दुनिया में इंटीरियर के क्षेत्र में नाम कमाने वाली पदम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पदम इंटीरियर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शंकरलाल कुलरिया का वर्ल्ड फेमस फोर्ब्स मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश किया गया। उनका आर्टिकल फोर्ब्स में आना मरु नगरी के लिए गर्व की बात है। शंकरलाल कुलरिया मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अब तक हजारों तरह के फर्नीचर और लकड़ी से जुड़े इंटीरियर तैयार कर चुके हैं। इसी पर खास बातचीत की बीकानेर के नवदेश टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। देश और दुनिया में जाना माना नाम है फोर्ब्स मैगजीन का। इंटरनेशनल लेवल पर काफी नाम कमा चुकी है ये मैगजीन। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है, बीकानेर जिले के शंकर कुलरिया जो कि पदम इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं और इंटीरियर में नाम है उनका पूरी दुनिया भर में, जगह जगह ये कहा जा सकता है कि उनकी ब्रांचेज हैं। और अब हम बात करें तो उनका नाम इसमें आना आप है बड़ी बात है। बात करेंगे शंकर कुलरिया जी से। सर बहुत बहुत फोर्ब वाले काफी अभी आप जैसे सुना हम बीकानेर जिले गांव सीलवा से हम बिलोंग करते हैं। हमारी ये जर्नी 89-90 से शुरू हुई थी और आज हमारी कंपनी इंडिया के अंदर एक टॉप कैटेगरी के अंदर शुमार है। और हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स है वो 99% हमारे अब्रॉड एमएनसी में मल्टीनेशनल कंपनीज करके आती है वो क्लाइंट है। और जो इंटरनेशनल लोगों ने एक फॉर्च्यून करके एक कैटेगरी बनाई है जिसे फॉर्च्यून 500 अंडर जो कंपनीज आती है उस कंपनी का हम आज काम करते हैं। और उस कंपनी में काम करने वाले लोगों का पीछे हमेशा ये फोर्ब्स जैसी मैगजीन हमेशा वॉच करती है कौन बेटर कर रहा है। तब उन्होंने अप्रोच किया कि व्हाट इज योर जर्नी इन ऑर्डर, तो हमारे पास जर्नी के बारे में पूछा और उन्होंने पूछा किया इंडिया के अंदर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर जा सकती है और ऐसा काम कर सकती है। उसके बारे में फोर्ब्स ने हमारे बारे में काफ़ी मेरे ब्रदर के बारे में बच्चों के बारे में काफ़ी पूछा, काफ़ी हमारा इंटरव्यू हुआ और that's how we just come to that control kind of। सबसे बड़ी बात राजस्थान में एक स्पेसिस ये कहा जा सकता है जिसका नाम है फोग, जिसको यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे रायता बनाने में उसको काम में लिया जाता है, फ्लेवर के रूप में काम लिया जाता है। यानी आप क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सीलवा गांव से हैं, यहाँ पर ये फोग जैसी चीजें उगना बहुत साधारण बात है और शायद आपने भी बहुत उपयोग किया है। फोग से फोब तक का जो सफर है एक इंटरनेशनल मैगजीन है और फोग है जो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि राजस्थानी स्पेसीज कहा जा सकता है। क्या ये सफर को किस तरह से मानते हैं? या आपने पुरानी यादाश्त वापस ताजा कर दी। ये फोग एक ऐसा छोटा झाड़ है जो राजस्थान के टीले रेतीले टीलों में होता है और जिसका जैसे आप बताए रायता या उसका सब्जी बनाते लोग। लेकिन यहाँ की जर्नी आप मेरे को बोलोगे मैं अभी भी बोलूँगा मैं तो आज भी मेरी मातृभूमि से जन्मभूमि से अटैच्ड हूँ। अभी भी हर महीने में दो बार यहाँ पे आता हूँ। लेकिन यहाँ से फोब तक फोग से आप जो फोब बता रहे हो ये जर्नी हमारी काफ़ी पिछले 30-32 साल की जर्नी है। 32 साल के अंदर हम तीनों भाइयों ने मिलके बच्चों के साथ में सपोर्ट लेते हुए हम ये जर्नी तय की और आज मैं यदि उस जर्नी के बारे में बताऊँ तो शायद इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन या इसके पीछे मूलभूत ये है हम डेडिकेटेड हैं हार्डवर्किंग के लिए और क्वालिटी के लिए। देश और दुनिया में इतना नाम कमाने के बाद अगर हम बात करें अब आगामी लक्ष्य अंदर हमारी कंपनी टॉप कैटेगरी में शुमार है और बच्चों का भी विजन है, हम भी चाहते हैं कि वी शुड गो टू द अब्रोड नाउ और हम अब्रोड इंटरनेशनल हमारी ब्रांच खोलने का प्लान है जो यूके और यूएस और यूए तीनों में से अब इमीडिएटली विल प्लान फॉर दी। देखिए निश्चित रूप से वो मैगजीन में नाम आना गर्व का विषय है, खासतौर पर बीकानेर के जायजन में। और बीकानेर के लिए शंकर कुलरिया जी के इस प्रयास को कहा जा सकता है शानदार प्रयास है। और अब चूंकि आगे भी काम इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांचेस खोलना इनका काम रहेगा, अगला लक्ष्य है। के सिंह।